गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं फिर से श्रीनगर और आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और आते वक्त तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया और चलते हैं, अभी निकल रहे हैं तो सुबह देख सकते हैं श्रीनगर को आप लोग। तो गाइस अभी हम वारवान रास्ते में है और अभी हम इधर से जा रहे हैं और अभी इधर से 30 किलोमीटर है और आते वक्त तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, अभी बहुत दूर है तो अभी हम इधर रुके क्योंकि इधर से बहुत सारे बेड बकरियाँ आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। हम उधर नीचे से आए थे, देख सकते हो आप लोग उधर नीचे से। अभी हमें उधर जाना, उधर बहुत ऊपर है गाइस, अभी तो जाते वक्त मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा इधर से क्या क्या है। आते वक्त तो नहीं बना पाया मैं वीडियो, तो चलते आगे आगे हम अभी। तो गाइस अभी हम इधर थोड़ी देर के लिए रुके हैं और आते वक्त भी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया फिर से। और देख सकते हो अभी मैं एक घर पर रुका हूँ, ऐसे ही आया था, ये देख सकते हो पुराने ज़माने के घर इधर के वारवान के। तो आप देखो पुराने ज़माने, देख सकते हैं पूरा इधर ज़्यादातर लकड़ी होता है, पत्थर नहीं होते, इसीलिए ये देखो लकड़ी घर भी लकड़ी का बना होता है पूरा, ये देखो। और नीचे हमारा गाड़ी है और आपको हम अंदर से भी दिखाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा मैं। उसने हमें अपना एक ट्रेडिशन फूड भी दिया हुआ है, तो ये जाने का दरवाज़ा देख सकते हो पूरा लकड़ी का है, देख सकते हो लकड़ी का पूरा लकड़ी का। किधर से जाता है यार घर, जा रहे हैं इधर से। हमने इधर के कुछ ट्रेडिशन फूड्स भी खाए, तो आपको हम गाड़ी पर ही मिलते हैं। तो इधर आज पूरा बारिश हो रहा है, देख सकते हो आप पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है, देख सकते हो जंगल ही जंगल, ये देख सकते आसमान पूरा क्लाउडी। अभी हमें पूरा उधर नीचे जाना है, ये देख सकते हो बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा यही ही होता है ज़्यादातर। तो अभी नीचे चलते हैं, चलो रास्ता भटक गया हमें। तो रास्ता बहुत ही खज्जल है इधर, इसी वजह से देख सकते हो आप लोग ये पानी बिल्कुल ही साफ है, आप लोग देख सकते हो इस पानी को, नीचे के पत्थर वो दिख रहे होगा आपको,
तो निकलते हैं हम आगे की तरफ। वारवान का एक जगह है तत्ता पानी, अभी हम उधर जा रहे हैं। अभी आज इधर बहुत बारिश हो रही है इसीलिए हम चल भी नहीं पा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग, हम पूरा भीगा हुआ है। चल रहे हैं बस, अभी हम पूरे जहाँ से चल रहे हैं वो जगह भी पूरा खज्जल हो चुका है भाई, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो आगे चलते हैं, अभी मैं आपको रास्ते का हालात दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग रास्ते का हालात, उधर से जो घोड़ा जा रहा है वो हमारा सारा सामान है। हम घोड़े पे चढ़ने वाले थे पर हम चढ़ नहीं पाए। और अभी हम इधर से 3 किलोमीटर और जाना है अभी हमें। ये देख सकते हो, तो इधर सामान उधर के आया, इसीलिए घोड़े का सामान बांध रहा है। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो आज आप मौसम को देख सकते हो, ऐसा कुछ हालात है। तो अभी हम चलते जा रहे हैं, पहुंचेगा कब पता नहीं। अभी हमें इधर से 2 किलोमीटर जाना है और आगे। तो आप रास्ते के हालात देख सकते हो, तथा पानी के ऐसे लगे है पता नहीं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, बस थोड़ा आगे जाना है और इधर होटल से थोड़ा आगे हम जाते हैं और फिर से आपको हम रूम पे ही मिलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने कमरे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऐसे ही बैठे हुए आज के लिए। कल हम एक अच्छा सा कमरा ढूंढेंगे क्योंकि आज हम लेट हो गए थे। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।